पार्टी कलवकुर्ति निजर्गा वै भरशेट्टी कर्नाटक मंगलूर साउथ सेंट्रल एमएलए गारु पद्धव तारीख ना हैदराबाद विचे पद्धव तारीख ना किशोर गार्डन मतलब विचे नूट पंदे तारीख ना आमंगल असैम्ली निर्वहितुनी इटो तारीख ना कड़ा अट्ला निर्णयपूर्ति असैम्ली मरी अन्नी मंडला बैक र्यी निर्वहितुनी तदन प्रेस मीट कार्यक्रम निर्वहित वो प्रेस मीट कार्यक्रम मरी पागो वारी संबंधी पेर् विवरल अस्म तरवा प्रेस मीटे को मध्यान कोई है तो सबको मेरा नमस्कार कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वरेश अटी है, सेकेंड टाइम एमएलए हूँ कर्नाटक का कोस्टल एरिया में है मैंगलोर से जिला। अभी हम तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप की ऑर्डर से डायरेक्शन से एमएलए प्रवास योजना करके 8 दिन का कार्यक्रम 8 डेज का कार्यक्रम है। 8 डेज में हमको एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी देते हैं सब एमएलए लोगों को। 8 दिन हमको इधर रहना पड़ता है। 8 दिन रह के हमको टारगेट दिया है ये काम करना, 1 दिन में इतना काम करना, ये काम करना, ऐसा काम करना करके उसके मुताबिक हम सब काम कर रहे हैं। मैं अभी हैदराबाद में 10 दिन हुआ आके। हमारा कार्यक्रम कल संडे को खत्म होता है लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा दिन लेके इधर कार्यकर्ता का बहुत जोश थोड़ा ज्यादा है, अच्छा कार्यकर्ता है इधर, इसलिए हम 1 दिन को एक्सटेंड किए और भी 1 दिन हम आज ही मिलके भी है। और एक बाइक में 2 सवाल, टोटली 3000 पेरेंट बॉडी और युवा मोर्चा का नेतृत्व में ये हमने किया है। सब मोर्चा इसमें शामिल है, युवा मोर्चा का लीडरशिप दिया है इसमें, पेरेंट बॉडी भी है। 3000 कार्यकर्ता आज आए हैं, 1500 बाइक आ गए हैं। इसमें हमारा सब नेता लोग इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का कलवकुर्ति असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 83 क्या हम बोलते हैं तेलंगाना का, सब हमारा लीडर इसमें शामिल हो गए हैं। और अभी एमएलए प्रवास योजना का आखिरी प्रोग्राम हम आप लोग जो माध्यम में पत्रिका जर्नलिस्ट है उन लोगों के साथ आप लोगों के साथ बैठकर बात करने का छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का एक कार्यक्रम है, वो हम अभी निभा रहे हैं। अभी 10 साल से 10 ईयर से इधर डीआरएस अभी क्या बोल रहे हैं, अभी डीआरएस था पहले उसका प्रभाव चल रहा है 10 ईयर से। अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि 10 ईयर से आप क्या काम किया है। अभी इलेक्शन में जा रहे हो, खाली पैसा लेके पैसा देके इलेक्शन में जा रहे हो तो कुछ काम भी किया होगा करके ऐसा क्वेश्चन जन लोगों के मन में आ रहा है, क्या काम किया है। फॉर एग्जाम्पल कलवकुर्ति असेंबली को हम देखेंगे, एक अच्छा सा हॉस्पिटल इधर नहीं, एक अच्छा सा हॉस्पिटल इधर नहीं है, सुपर स्पेशलिटी छोड़ दीजिए, एक इमरजेंसी के लिए आईसीयू नहीं है, ठीक का आईसीयू नहीं है। 30-40 ईयर से पुराना 30 बेडेड हॉस्पिटल है इधर, रनिंग गवर्नमेंट है, उन्हीं लोगों का गवर्नमेंट है, उन्हीं लोगों का उन्हीं का बीआरएस पार्टी का ही एमएलए है इधर। चाहिए तो कुछ भी कर सकता है लेकिन एक 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए कितना पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। 100 बेडेड हॉस्पिटल नहीं बन रहा इधर, इधर गांव के लोग ट्रीटमेंट के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं उसके पास आ जाता थे, नहीं तो प्राइवेट एंटिटीज क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। भारत का नरेंद्र मोदी जी का उसको अभी इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं कर रहे क्योंकि
नरेंद्र मोदी जी को नाम आएगा, किसी का जान जा रहा है करके किसी को परवाह नहीं है। इधर somebody is losing their life, no one is worried. They are worried whether Modi's name will come. इसलिए अपना आयुष्मान योजना भी ठीक से इधर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है। मैं ऐसे ही देख रहा था, दस दिन से मैं इधर उधर घूम रहा हूं। मैं देखा किसी ने बोला क्या काम कर रहे हैं ये लोग करके बोला हमको, ये लोगों ने बोला उन्होंने डीआरएस का आदमी था एक होटल में, वो बोला कि हम इधर लिफ्ट इरिगेशन किया है, कलाकुर्ति में लिफ्ट इरिगेशन किया करके बोला। मैं पूछा सबसे लिफ्ट इरिगेशन में मुझे देखना है किधर से पानी आता है किधर को जाता है करके बोलिए करके मेरा लीडर से पूछा। आचार्य साहब तो हंस गए बोले छोड़िए करके, सब लीडर से पूछा। मुझे पता चला सर ये काम ही नहीं हो रहा है, खाली अनाउंसमेंट हो रहा है, पानी तो किसी को भी नहीं आ रहा है। इधर से और एक अपना वेंटेड डैम करके इधर से पानी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को जाने के लिए एक व्यवस्था किया था, नलगंदा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा है किसी को पानी देना, अच्छी बात है, उस पर हमारा प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यह है जितना फार्मर्स है इधर रायता पिलो क्या हम कृषि बोलते हैं कन्नड में, अभी आंध्र में रैतलू, उन लोगों का लैंड ने उसने ले लिया है ये काम करने के लिए। अभी तक ये क्या कह रहा है कि उन लोगों को समस्या क्या है, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, उसके पास जाके दो मिनट बैठ के सुनने का तो पता चलेगा क्या करना है करके। करते नहीं, करने के लिए एमएलए तो पहले कल्याणपुर असेंबली में बैठना है, वो किधर बैठता है, हैदराबाद में रहता है। हम ऐसा सिचुएशन कभी नहीं देखा, हमारा कॉन्फिडेंस ये हमारा ऊपर उधर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस ये है, बीजेपी का कॉन्फिडेंस ये है। एमएलए लोगों को ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकते, उधर कॉन्फिडेंस में नहीं रह के एक ऑफिस नहीं है। अगर एक गांव वालों को एमएलए को मिलना है, एक साइन चाहिए, एक हेल्प चाहिए, वो किधर जाएगा? एक ऑफिस नहीं है, एमएलए का ऑफिस नहीं है, एमएलए का आपका जिला पंचायत ऑफिस है, तालुक पंचायत ऑफिस है, काउंसिल भी गवर्नमेंट ऑफिस में एक 200 स्क्वायर मीटर जगह तो मिलता है, आप ऑफिस कर सकते हो। एक हफ्ते में दो बार इस मंडल में, एक बार उस मंडल में, ऐसा कुछ करो। कॉन्स्टिट्यूंसी का हेड ऑफिस क्या है, कलबुर्गी है, हेड है, इधर एक ऑफिस नहीं है, पार्टी का ऑफिस है, वो अलग है, पार्टी का ऑफिस सबको होता है, लेकिन एमएलए का ऑफिस चाहिए। एमएलए ऑफिस भी नहीं, एमएलए भी नहीं, कैंप नहीं जा सकते ये गरीब लोग, गांव के लोग कैसे आएंगे मंडल ऑफिस तक? मंडल ऑफिस से मेन रोड तक आ सकते हो। इधर काली मैंने क्या किया, मैंने क्या देखा करके बोल रहा हूं। हैदराबाद 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर सा है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से श्रीशैलम जाने वाला एक अच्छा सा हाईवे है, उसके अलावा मुझे डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। इधर मैं पूछा उन लोगों से क्या इधर काम, क्या कौन सा प्रोफेशन ज्यादा है करके, इन लोगों ने बोला फार्मर्स ज्यादा है करके। फार्मर्स का सिचुएशन क्या करके हम दो तीन फार्मर लोगों से जाके पूछा। इधर फॉर एग्जांपल फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना बहुत सक्सेसफुली रन हो रहा है सारा देश में, किधर भी इंप्लीमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है फसल बीमा योजना, बहुत अच्छे से चल रहा है। इधर फिर से आयुष्मान योजना में क्या गलती किया है राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, इधर भी वही गलती फिर से कर। 50% उसका प्रीमियम फार्मर देता है, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 25% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है और 25% स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रहा है। फार्मर रेडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट रेडी है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रहा है? क्या प्रॉब्लम है? लोगों को अच्छा करना ना, क्यों पॉलिटिक्स से सोचते हो सब कुछ?
सब कुछ पॉलिटिक्स नहीं है, लोग उनके जीवन के साथ हमको खेलना नहीं चाहिए। वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इट्स अ रेस्पॉन्सिबल पोस्ट। सरकार चलाने का हक लोगों ने दिया है, हमने लोगों को कुछ नहीं दिया है। सब हम पॉलिटिशियंस, कुछ भी हो, कोई भी एमएलए हो, लोगों के सामने भीख मांगा है, बोला है वोट दे दो हम आपका भला करेंगे। अभी हम पूछ रहे हैं क्या भला किया है, लोगों को क्या भला किया है, एक तो बोलो। भाषण में सब बोलते हैं हमारा मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डेवलप्ड करके लोकल एमएलए बोल रहे थे, क्या डेवलप? एक डेवलपमेंट दिखा है ना, एक अच्छा सा कॉलेज मुझे नहीं दिख रहा है। कितना इंजीनियरिंग कॉलेज है इधर, मेडिकल छोड़ दीजिए, हैदराबाद में के जाएंगे। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज अनाउंस किया है, वो इलेक्शन आया करके अनाउंस किया है, कुछ नहीं हो रहा है, ऑर्डर आया है वैसे ही स्टक हुआ है। और एक डिग्री कॉलेज अमंगलम के साइड में अनाउंस किया है, एक हाई स्कूल है उसके दो तीन कमरे में फर्स्ट ईयर का कुछ इधर उधर कर रहा है। मैंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स से कुछ बात किया, छह मंथ हो गया सैलरी नहीं मिल रहा है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक है इधर, वो क्या बोलते हैं, वो लोग किधर जाए? टीचर्स का सिचुएशन खराब है। टीचर्स ने तो इस टाइम दिखाया, एमएलसी इलेक्शन में टीचर्स ने दिखाया क्या समस्या है करके। इलेक्शन में वोटिंग में हमको पता चला बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि इधर का काम अच्छा नहीं चल रहा है, चल रहा है वो तो पीस पीसी हो गए और काम भी नहीं करने वाले। इधर एक बार एक नाटक करके कांग्रेस का आदमी जीता हुआ था, आपको मालूम है, ये लास्ट मिनट में कुछ बूथ में जाके वो सब फिल्मेड है कुछ करके आ गया। हाँ, एक बार उसने जीता था, वंशी रेड्डी नहीं था पहले। अगर आपको रिपोर्ट कार्ड कर दे, अगर हम आप सब जर्नलिस्ट मित्र हैं, जनरली हृदय के ऊपर आप रखकर आप एक रिपोर्ट कार्ड कर दे, कौन सा एमएलए क्या काम किया है, क्या काम बोलो कि उसको रिपोर्ट कार्ड देना है, क्या काम किया करके पूछेगा तो पता चलेगा। ये आपको सबको मालूम है, मुझे मालूम है, लोगों के पास भी हमने सर्वे किया है। इधर कांग्रेस को भी चांस दिया हमने, कुछ नहीं किया। इस बार बीजेपी के कैंडिडेट को चांस देना है करके सारा लोग, सब लोग बोल रहे हैं। एक बार हम बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएंगे करके बोल रहे हैं, 100% जीतेंगे अभी। हम सब एमएलए को इसलिए भेजा है, इधर क्या हम अच्छा इधर से भी आते, इससे भी अच्छा क्या कर सकते हैं, इधर का जरूरत क्या है, लोगों का जरूरत क्या है, ये सब हम रिपोर्ट बनाए हैं। वो तो रिपोर्ट हम देंगे ही। इधर का लोगों का जीवन अच्छा करने के लिए हम क्या, इधर एजुकेशन सेक्टर में बहुत एजुकेशन और हेल्थ बहुत बैकवर्ड है इधर। वो हमको अब बीपीएल के लोअर हुए हुए लोग, कोई बुजुर्ग है, सीनियर पर्सन है, हैंडीकैप्ड पर्सन है, उसको पेंशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उसको रेशन कार्ड नहीं दे रहे। अगर एक रेशन कार्ड देने का काम फास्ट करेंगे तो एक गरीब का जिंदगी बच जाएगा, एक गरीब का जिंदगी बच जाएगा। वो अपना जीवन आंसुओं के भीतर ही सामने अपना जीवन को बिता रहा है। किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को ठीक से नहीं मिल रहा है। ये बजट को अब बजट उसके पास बजट है, लेकिन आप बजट को पूरा घुमा के वोटिंग की तरफ देख रहे हो। वोटिंग के लिए एक वर्ग को तुष्टिकरण का नीति में आप राज्यभर करोगे तो 100% प्रॉब्लम तो होगा ही। तो इसकी कर्तव्य को अकर्तव्य प्रजल नविस्तुंटारु। ఇప్పుడు కేసీఆర్ స్కీములు పెట్టి సర్కసోడు తుంకినట్టు తుంకుతున్నాడు. ఈ స్కీమ్ పెడుతున్నా, ఆ స్కీమ్ పెడుతున్నా, ఏ స్కీమ్ పెడితే జనం ఓట్లేస్తారని సర్కస్ ఆడుతున్నారు కేసీఆర్. కానీ ప్రజలకు తెలుసు ఎలక్షన్ స్టంట్సే, మాయ మాటలే. కాబట్టి ఒక్కటే మేము భారతీయ జనతా పార్టీ
ప్రశ్నిస్తున్నాం మీ ద్వారా. నాలుగున్నర సంవత్సరాలు దాటి ఇంకొక రెండు మూడు మూడు నెలలు ఉంది ఆయనకి. మూడు నెలల సమయంలో అన్ని ఇప్పుడే ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాడు. ఇండ్లు, రేషన్ కార్డులు, బీసీలకు లోన్లు, దళిత బంధు, అంటే నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి గడ్డికి నా ఏం చేసింది అని అడుగుతున్నా. ఎలా ఇండ్లు అంటే గృహలక్ష్మి నాలుగున్నర ఏళ్ళు చప్పుడు చేయకుండా కూర్చొని ఈ రెండు నెలలనే సర్కసాడు ఇట్లా కోతులు తుంకులు ఆడించినట్టు ప్రజల్ని తుంకులు ఆడిస్తున్నాడు. ఎలా కేసీఆర్కు బుద్ధి చెప్పనీకి ప్రజలు సిద్ధమైంది? ఎలా నీ చేతిలో అధికారం ఉందని ఉల్టా పల్ట కోతులని దుఃఖించినట్టు దుఃఖిస్తున్నావు జనాలని? మీ సేవల దగ్గర పడిగాపులు వేస్తున్నారు. బీసీ లోన్లు అని చెప్తే కుప్పలు కుప్పలు వేల మంది దరఖాస్తులు పెట్టుకుంటే పదుల సంఖ్యలు కూడా వాళ్ళకి లోన్లు రాలే. ఇప్పుడే ఉద్యోగస్తులకు నోటిఫికేషన్లు ఇస్తున్నాం, ఇప్పుడే రేషన్ కార్డులకు, ఇప్పుడే ఇండ్లకు, ఇప్పుడే లోన్లకు, ఇప్పుడే ఒక్కటి రెండు మాత్రమే ప్రశాంతంగా చేసుకున్నాడు. ఒకటి లిక్కర్ టెండర్ను ప్రశాంతంగా, అంటే ఇంకా రెండు నెలలకు ఉండాల్సినటువంటి దాన్ని ప్రశాంతంగా పూర్తి చేసుకున్నాడు. రెండోది మూడు నెలలకు, రేపు రెండు నెలలకు ఇవ్వాల్సినటువంటి టికెట్లు ఒకటేసారి ప్రకటించి ప్రశాంతంగా కొడుకుని అమెరికా పంపించేవాడు అన్నది అనగాలని ఈయనేమో పాదవల పదవస్తు పెట్టుకొని ఇట్లా వండిడు. ఎలా బీఆర్ఎస్లో నిశ్శబ్ద విప్లవం, టోటల్ తెలంగాణలో నిశ్శబ్ద విప్లవం ఉంది టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలల్లా. ప్రజలల్లో నిశ్శబ్ద విప్లవం ఉంది. తప్పక బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా, మీడియా ద్వారా మేము తెలియజేస్తున్నాం. 8 రోజులుగా డాక్టర్ భరత్ శెట్టి గారు తమ యొక్క నియోజకవర్గాన్ని గెలిపించిన ప్రజలు సేవ చేసేది ఉన్నా ఈ దేశంలో బీజేపీని గెలవడం ఎంత ముఖ్యమో అది భారతీయ జనతా పార్టీ సూచనల మేరకు తన సొంత పనులు, సొంత నియోజకవర్గం, సొంత కుటుంబాన్ని కూడా పక్కకు పెట్టి కల్వ కుర్తిలో కమలం జెండ గెలవాలని 8 రోజులుగా వారు ఇక్కడ వచ్చి మాకు ఏ రకంగా విజయం చెందాలని బూత్ స్థాయి కార్యకర్తలకు వెళ్ళి రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుల వరకు ఒక్కొక్క విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా వారు మా వెంబడి మాకు అవగాహన కల్పించారు. ఇవాళ భరత్ శెట్టి గారి యొక్క సహకారంతో మాకు ఏ రకంగా మేము ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఎలక్షన్ ప్లాన్ ఎట్లుండాలి, ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లుండాలి అనేది వారు మాకు చాలా విషయాలు మేము వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. భరత్ శెట్టి గారికి మా యాప్కు మీడియాకి సామె మేరా కల్వకుర్తి కాన్స్టిట్యూన్సీ కా ప్రజానీకం ఉస్కా తరఫ్ సే ఆప్కు బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్ కర్ రహే హైం. ఔర్ ఆప్కా కాన్స్టిట్యూన్సీ మే ఆప్కు చితాయా కార్యకర్తా ప్రజాకు భీ మై ధన్యవాద్ దే రహే హైం. ఆప్ ఇత్నా మెహనత్ కర్ రహే హైం, ఆప్ యా ఆకే ఇత్నా మెహనత్ కర్ రహే బోలే తో వా కిత్నా అచ్చా కామ్ కియా పబ్లిక్ మే వో ఆప్కు దేఖే కార్యకర్తా లోగా బహుత్ సీఖ్ లియా మేరే సామే బోలే ఏ ఇత్నా సాధారణ కార్యకర్తా జైసే హై ఎమ్మెల్యే ఏక్ చోటా మోటార్ సైకిల్ గాడి పే జాతే చోటా కార్ మే భీ జాతే హరేక్ కార్యకర్తాకు ఇత్నా ప్రేమ్ సే ఆప్ 8 దిన్ ఆప్కా ప్రవాస్ హై బహుత్ బహుత్ ఆప్కు బధాయి దే రహే హైం, ఆప్కు ధన్యవాద్ దే రహే హైం. ఆప్ పహలే బార్ సే దూసరా బార్ ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ మే ఒక మెజారిటీ ఔర్ 10,000 బడ్కే ఆ గే 37,000 33,000 మెజారిటీ సే ఆప్ జీతే ఆప్కా ఆశీర్వాద్ సే
आपका प्रेम से, आपका नेतृत्व में कलवकुर्ती का जनता भी, कलवकुर्ती का कार्यकर्ता भी मेहनत करके आपको बीजेपी को जिता के आपको वादा दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे। प्रेस मीडिया के सामने प्रेस लोगों को भी धन्यवाद है। 8 दिन से अलग अलग प्रोग्राम्स भी, सूचना है तो नया है तो उन लोग ज्यादा ही पेपर में आए, अपन का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रवास योजना, एमएलए प्रवास योजना राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट नड्डा जी का सूचना से हम कर रहे हैं। कलाकुर्ती में मेरा पोस्टिंग है, मेरा इधर कलाकुर्ती लेके काम करना है, बीजेपी का काम करना है, इधर कैंडिडेट को जिताना है, बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए क्या इधर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, इलेक्शन स्ट्रैटेजी में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, इसलिए हम आए हैं। 10 दिन हुआ है मैं इधर ही हूँ, हैदराबाद में 2 दिन, इधर 8 दिन, इधर ही सब जगह देख रहा हूँ। कलवकुर्ती में ये डिसाइडेड है, लोगों का मन में डिसाइडेड है कि इस बार बीजेपी के अभ्यर्थी को जिताएंगे करके सबने डिसाइड किया। अपने लोगों के पास पूछ रहे थे हम क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, क्या चाहिए इधर, लोग बोल रहे कि MLA इधर का इम्प्रूवमेंट, 3 times MLA है, इधर कुछ इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, एक नॉर्मल हॉस्पिटल भी नहीं है, एक अच्छा सा कॉलेज भी नहीं, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। अपना फार्मर लोगों को बहुत तकलीफ है इधर, उन लोगों को कितना पैसा मिला था, उसका जमीन गया था, उसका भी पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा करके बहुत लोग हैं, बहुत समस्याएं इश्यूज भी है। और इंटरनल रोड्स क्या बोलते हैं, इंटरनल रोड्स ग्राम पंचायत से अपना मंडल तक आने वाला एक भी रास्ता ठीक नहीं, एक भी रास्ता नहीं। 3 बार MLA हो गए, TRS का MLA 3 बार हो गया, क्या डेवलपमेंट किया करके मैं देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ना लोगों का इम्प्रूवमेंट है, ना एजुकेशन फील्ड में इम्प्रूवमेंट है, ना हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट है, खाली MLA का इम्प्रूवमेंट है, पर्सनल इम्प्रूवमेंट है, लेकिन उसको तो कोई और इम्प्रूवमेंट हमें इधर नहीं दिख रहा है। 100% इधर बीजेपी का अभ्यर्थी इस बार जीतेंगे। और ये आप 8 दिन से यहाँ पे सुन रहे हैं, मतलब यहाँ का रिकॉर्ड कैसा दिख रहा है, मतलब आप जनता से मालूम कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता वेरी कॉन्फिडेंट है। जनता से भी मैंने TRS का BRS का कार्यकर्ताओं से भी हमने बात की, लोगों से भी बात की, हर आदमी औरत बोल रहे कि हमने TRS को एक बार चांस किया, वो कुछ काम नहीं किया, 3 बार चांस किया, कांग्रेस को दिया वो भी काम नहीं किया, भी एक बार हम बीजेपी को 100% जिताएंगे उसको भी एक चांस देंगे करके लोग बोल रहे हैं। उसका पहले सब भी आया, सब MLA लोग इधर काम किया, कुछ भी इधर का लोगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, मैं मुझे दिख रहा है इधर के लोगों के बारे में नहीं सोचा, इधर खाली एक पॉलिटिकल बिजनेस बन गया है, TRS और कांग्रेस को ये बिजनेस बन गया है, ये लोगों को आंसू क्या हटाने का काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। बीजेपी जरूर करेगा, बीजेपी हुकूमत में आएगा तो जरूर करेंगे, 100% बीजेपी हुकूमत में आएगा और वो काम भी, लोगों का काम भी हम करेंगे।